बैक्टीरिया के ऊपर जब कोई वायरस या बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है जिसे क्रिस्पर या क्रिस्पर कैस 9 कहते हैं। क्रिस्पर एब्रिवेशन है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। क्रिस्पर इन्वेडर फेज के न्यूक्लिक एसिड के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनको गाइडेड आरएनए भी कहते हैं। ये गाइडेड आरएनए बैक्टीरिया के अंदर मौजूद एक और प्रोटीन जिसे कैस9 कहते हैं, जो न्यूक्लियस के तौर पर काम करता है, के साथ मिलकर क्रिस्पर कम्प्लेक्स बनाता है। जब कभी बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो क्रिस्पर कम्प्लेक्स फेज डीएनए को आइडेंटिफाई करके इसकी ब्रेकडाउन करता है। इस मैकेनिज्म को बैक्टीरिया का एडाप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। यही मैकेनिज्म लेबोरेटरी के अंदर जीनोम एडिटिंग के लिए यूज होता है, जिसको क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहते हैं।